श्री गुरुदेव सुखदेव जी से मृत्यु का ज्ञान लिया। सुनिए, सारी दुनिया जीवन का ज्ञान लेती है, राजा परीक्षित मृत्यु का ज्ञान ले रहे हैं। इसका अर्थ है कि मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, और इस सत्य का ज्ञान जिसे हो जाता है वो अमृत हो जाता है। मृत्यु का ज्ञान जिसे नहीं होता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। राजा जानते हैं कि मृत्यु सत्य है, सबको उससे ही गुजरना है। अमृत्यम वादनम कृतम, अमृत्यम वादनम कृतम यावतो आत्मनो सखम, सख्यम उपासते जाताम देवस्त्व जनानाम। आत्मा वैसे देव ही है, पर आत्मा देव है वो देव ही रहे, उसके लिए मृत्यु अमृत होना, मृत्यु को यश मिलना चाहिए। देखिए, जीवन में बहुत लोगों को यश मिलता है पर मृत्यु को नहीं मिलता है। जैसे अभी ताजा ताजा कई लोग मरे हैं जिनको बड़ा यश मिला नेतागिरी में, पर मृत्यु को नहीं मिला यश। अटल जी को आप क्या मानते हैं, प्रधानमंत्री अटल जी को, पर मृत्यु को यश नहीं मिला। जीवन में यश कमाया पर मृत्यु अपयश माली हुई। नस्तम भेदितम कृतम रूपस्य व्याधि तद दुखः, जरा व्याधि में अगर शरीर चला जाए तो मृत्यु अपयश का शिकार हो जाती है। मृत्यु रोग से आए, एक्सीडेंट से आए, हार्ट अटैक से आए, ये अपयश है। मृत्यु को बहाना तो चाहिए पर और भी बहुत सारे बहाने जिनमें यश मिलता है। महर्षि स्वामी दयानंद को उदयपुर के राजा ने जहर दिलवा दिया। महर्षि दयानंद अजमेर के राजा के महल में गए। दयानंद ब्रह्मचारी थे, राजा का यश बहुत था, कीर्ति बहुत थी, पर राजा को जाकर देखा महल में, दो वेश्याओं के साथ में राजा जो है खेल रहा था। महर्षि दयानंद ने कहा, शेर पुत्र होकर कुतियाओं पर ये क्या कर रहा है? राजा को बुरा लगा। महर्षि स्वामी दयानंद के रसोइयों को खरीद लिया राजा ने और जहर पिलवा दिया। महर्षि दयानंद ने जहर को अपनी क्रियाओं से बाहर कर दिया, मृत्यु को टाल दिया, 17 बार जहर दिया। ऐसे योगी थे दयानंद, 17 बार जहर को निकाल दिया शरीर से, 18वीं बार में कांच पीस कर दूध में दे दिए, 17 शरीर के नस नस से कांच बाहर आने लग गए, शरीर में से अपने आप कांच बाहर आने लगे। महर्षि दयानंद ने यज्ञ कुंड पर आसन लगा लिया। कहते हैं 29 दिन तक महर्षि दयानंद शरीर से एक एक टुकड़ा गिर रहा था कांच के कारण। महर्षि दयानंद बिना खाए बिना पिए निरंतर यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ करते समय 29वां दिन जब आया तो महर्षि दयानंद ने एक शब्द का उच्चारण किया, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, और शरीर का त्याग कर दिया। ये कीर्तिवान मृत्यु है, यशवान मृत्यु है, ये देव मृत्यु है। और ये जो मृत्यु है सिर्फ एक बार आती है, बार बार मृत्यु, बार बार मरण, बार बार चिंता, बार बार ये सारी चीजें आदमी की अपयश के लिए। राजा परीक्षित को इतना तो नॉलेज है कि मरण सत्य है, पर राजा चाहते हैं कि मृत्यु अपयश को ना प्राप्त हो, इसीलिए मरण तो आए दंड भी मिले पाप का, संत का अपराध है कितना भी दंड मरा मिले पाप का,
सब दंड भोग लूंगा, पर मेरी मृत्यु कलंकित नहीं होनी चाहिए। मेरे मरण के बाद कोई ये न कहे कि संत के श्राप से राजा मर गया। मुझे जो दंड मिले सब भोगूंगा, सारे दंड मुझे प्राप्त मंजूर है। इसलिए हे गुरुदेव, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए, आमृतम न कृतम जाताम भवते न मनुषः, मुझे ऐसा ज्ञान दे दो कि मेरा आवागमन खत्म हो जाए, न रहेगा बांस और न बजेगी, चिंता ही खत्म हो जाएगी। क्या मरण क्या जन्म, यस और अपयस की लड़ाई समाप्त हो जाएगी, सत्य झूठ की लड़ाई समाप्त हो जाएगी। कब? जब हम प्रभु में लीन हो जाएंगे तब।